नमस्कार, मैं उमेश। आज आपको राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय कतरास एशिया 6, ये 1954 से यहाँ पर है। के माध्यम से आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारे पत्रकार विद्यालय जाते हैं और बेतुका प्रश्न विद्यालय के प्रांगण में जाकर पूछते हैं। मैं उन पत्रकारों से इससे पहले भी सलाम कर चुका हूं, श्रीमान बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं उतना विद्वान नहीं। मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि अगर हो या किसी प्रकार का कुव्यवस्था हो तो यथासंभव प्रधानाचार्य या वहां के विभागीय लोगों को बताकर उसको खत्म करना है। प्रधानाचार्य सर से यहाँ मिलना है, उनसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है और उनके परमिशन के बिना एक लीगल फॉर्मेट होता है जिसको कुछ ना कुछ इशू ना बने, ना मेरे साथ ना उनके साथ, ताकि यह एक परमिशन वीडियो के रूप में भी विभागीय स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। पहले उनसे हम लोग परमिशन लेंगे और तब विद्यालय का हर एक कोना को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर क्या अंदर आ सकते हैं क्या? तो सर का हम लोग अपने चैनल पे स्वागत करेंगे। वेलकम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। सर से हम लोग लेंगे, उसके बाद आपको हम लोग पूरा चीज़ बतलाने की कोशिश करेंगे कि एक स्कूल को चलाने के दौरान किन किन लीगल फॉर्मेट्स का सहारा लेना पड़ता है। एक और बात बताएंगे, वेदर यू आर गोइंग टू दैट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइट्स, बट दिस इज एन ऑनरेबल रिक्वेस्ट टू एवरी सिटीजन, वेदर दे आर वॉचिंग माई वीडियो और नॉट, प्लीज बिफोर कमेंटिंग एनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स बी केयरफुल दैट यू आर ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स, यू वेयर ऑल्सो स्टूडेंट्स। अभी सर कितने बच्चे आपके यहाँ हैं जो इनरोल्ड हैं? एनरोल्ड बच्चे अभी टोटल 651 बच्चे, 70% बच्चे, 60-70% आ जाते हैं जी। आपको तो पता ही होगा कि दो विद्यालय मर्ज कर गया, गांधी हरिजन मध्य विद्यालय और ये राज्य। सुविधाएं भी डबल हुई होगी जी? नहीं, यही तो बात है, यही तो रोना है कि ग्रांट जो है 75,000 रुपये प्रत्येक साल का जो ग्रांट मिलता है, केवल 75,000, 75,000 वो केवल, मतलब समझिए कि दोनों विद्यालय में भी वही 75,000 आ रहा है। एक घंटे टोटल टीचर का कितना पीरियड होता है? 6 पीरियड हम लोग 45-45 मिनट का, 6 घंटे होता है। हमारे विद्यालय में डांस क्लास होना चाहिए। अच्छा, विज्ञान क्या है ये बताओ? अभी जैसे सर हम लोग को सूक्ष्म पढ़ा रहे हैं, ये भी एक विज्ञान है। जैसे सूक्ष्म 4 भागों में बांटा, मतलब 5 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। सब बस ताली बजाओ भाई। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। कौन से क्लास में हो? 1 में। अच्छा, ए फॉर एप्पल आता है आपको? यस। बोलिए तो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पी फॉर सी फॉर कैट। स्कूल की तरफ से सर बुक्स जो भी सरकार की तरफ से मिली हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक हैं। इनके अभिभावक से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को आप रेगुलर स्कूल भेजिए। आजकल लड़कियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये बढ़े जा रहे हैं, समाचार भी हम लोग सुन ही रहे हैं। तो इसके लिए लड़कियाँ, देखिए हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते लेकिन लड़कियाँ खुद को ज़रूर बदल सकती। बच्चे की उपस्थिति बहुत अच्छी है सर, जैसे हमारे 18 बच्चे हैं, उसमें से जो है 15 बच्चे आए, 15 बच्चे आ जाए जी। फल। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, वेरी गुड। और शिक्षा मंत्री कौन है झारखंड के? श्री जगन्नाथ मोहन। ड्रेस नहीं पहने हो भैया? ड्रेस गंदा। अरे यार, तो ऐसे थोड़ी है, रात में इसको धो देना चाहिए। मेरे सर कमी है ही नहीं सर, क्या बोले। पक्का जो है ना, ये अंकित बाबू सोच लिया है कि हमको नहीं बोलना है। बताओ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। नेहा कुमारी। नेहा, अभी पढ़ती हैं यहीं? यस। किस क्लास में? 7B। ओके, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नेहा कुमारी। नेहा, आर यू अ वेरी गुड स्टूडेंट? यस सर। यू लाइक स्टडी? यस सर। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, जस्ट मार्क वन थिंग दैट वी आर इन दैट गवर्नमेंट स्कूल एंड शी इज एबल टू कॉन्क्रीट एंड वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीचर। ओके, व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Education is very important for student. Education is best. Okay, what is the name of your country? My country name is India. India. Do you think that India is a very good country? Yes, sir. Tell something about your country. India is a secular country. India is agriculture country.
इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिसेज द्रौपदी मुर्मू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ ईशा। कितना चावल दीदी डेली बनता है? सर जब बच्चा रहने पर जैसा बच्चा रहता सर वैसे ही बनता चावल, साफ सुथरा। हाँ, पूरा चालते हैं हम लोग चावल धोते। कितना दीदी आप लोग यहाँ पर हैं, कितने लोग हैं? हम लोग सात लोग, सात लोग हैं। अच्छा, कितने? नौ लोग हैं सब लोग मिला। तो डेली दीदी कितना टाइम में आप लोग खाना दे देते? हम लोग खाना 2 बजे दो बजे दे देती सर। हम लोग तनख्वाह बढ़िया दे, तनख्वाह बढ़िया मिले है ना। देखिए ये तो भी चाहिए। अच्छा दीदी क्या क्या मिलता है यहाँ भोजन में? भोजन में मिलता है सोमवार के, सुनो ना, सोमवार के दिन अंडा दाल भात सब्जी, फिर मंगल के घुघनी और नाश्ता माने मुरही मिलता है सेब और घुघनी। फल वगैरह भी दीदी भी मिलता है? हाँ। हालांकि सरकारी तंत्र के अगेंस्ट में मैं डंके की चोट पर अपनी बात को रखता हूँ, मुझे इनकी भूमिका पर कहीं भी किसी प्रकार का त्रुटि उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। इनका जो अपना कार्य है अपने आप में अतुलनीय है कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ग्रामीण या और भी लोग उंगली उठाते हैं। क्या आपके विद्यालय में भी ऐसी बात है? नहीं, ऐसा हम लोग के यहाँ जरा सा भी नहीं है। हमारा विद्यालय एक विद्यालय परिवार है और यहाँ पर जब से बायोमेट्रिक्स आने के बाद तो लोग 15 मिनट पहले ही पहुँच जाते। सभी शिक्षक हमारे कोऑपरेटिव हैं, जब जैसा जिसको काम पड़ता है जैसा होता है अपना छुट्टी छोड़ करके, छुट्टी के दिन भी आकर के लोग काम करते हैं, तभी जाकर के इतने बच्चों का हम लोग काम पूरा करते हैं। व्यवस्था है, विद्यालय है, भवन है, लैब है, MDM की योजना है, फिर भी आज गार्जियन का झुकाव सरकारी विद्यालय पर क्यों नहीं है? सर उसका कारण है कि लोगों को थोड़ा सा मिसमाइंड है। कहीं पर कुछ विद्यालय में ऐसे होते हैं कि शिक्षकों की कमी है, तो जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर जो है अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा। बोलेंगे कि सरकारी स्कूल बहुत पहले भी बेहतर थे, वर्तमान में भी बेहतर है और भविष्य में भी बेहतर रहेंगे। कि आप भी बच्चों को जो है देखिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। कहीं कहेंगे कि हमारे स्कूल में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं बच्चों। सर ये बहुत अच्छी जागरूकता है कि बच्ची अपना सेल्फ डिफेंस कर रही है, क्योंकि आज उनके पर मतलब उन पे ही माहौल डिस्टर्ब होने की वजह से बच्चियां स्कूल आना कभी कभी छोड़ देती हैं। दो विद्यालय को मर्ज कर दिया गया, सरकार का इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं? सरकार इसे अच्छा ही समझती होगी इसलिए ऐसा किया गया है। इसे बहुत सारा दीदी दूसरी ओर कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो परिवार को तो बड़ा कर दिया गया, संसाधन को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए सरकार को। बढ़ाना चाहिए लेकिन इसमें जैसे कि खाना बनता है स्कूल पे, तो एक जगह बनता है तो कुछ बचत है। समस्याएं तो होती है सर, प्राइवेट में भी जाएं वहाँ भी है, गवर्नमेंट में भी है, एडेड में भी है, नॉन एडेड में भी है। बट देर इज़ ए कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट विच आई यूजली सी इन एवरी गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली, एंड द कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड टू द अटेंडेंस अप्रोच। सर अटेंडेंस को लेकर बोलते हैं कि कभी टीचर आए नहीं, दूसरे टीचर एप्लीकेशन लगा दिए, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं ऐसा तो नहीं है, हम लोग एक दिन पहले ही एप्लीकेशन देते हैं छुट्टी लेना होता है तो। मैंने ये जो गार्जियन या कुछ लोग इसको हवा बना दिए हैं, क्या कहेंगे वैसे लोगों को? नहीं ऐसा, पहले तो उनकी जांच करनी चाहिए कि ये बात तो सच है या गलत है, तभी उसको प्रचारित। विनय सर कितना कोऑपरेटिव है, विनय सर के सामने ही अगर विनय सर के अंतर्गत की कोई कमी अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं किसी तरह की उनमें कमी नहीं है। उनका अच्छी शिक्षा या अच्छा भोजन? मैडम अच्छी शिक्षा भी ज़रूरत है और भोजन भी ज़रूरत है, दोनों है स्कूल में। अपने विद्यालय में मैडम भोजन के जो सिस्टम है MDM को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट है और बच्चे लोग भी संतुष्ट हैं। दीदी आपसे भी एक सवाल करेंगे, जो गार्जियन आज भी बच्चों को घर में रख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है उन गार्जियनों के प्रति, मेरा ये संदेश मैं उन लोगों मतलब उन अभिभावकों को देना चाहती हूँ कि आज के डेट में बच्चे को घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, और शिक्षा के प्रति जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका है किसी भी इंसान के जीवन में। आप सभी शिक्षकों को कड़वत तरीके चरण स्पर्श करते हुए सलाम करेंगे, सादर प्रणाम करेंगे, आपकी भूमिका अतुलनीय है,
बस एक शब्द में ख़त्म करने जा रहे हैं, वेर इज़ विल देर इज़ अ वे, नॉलेज इज़ ऑलवेज पावरफुल है, वो बिल गेट साहब का स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखें। यदि आप जन्म लिए हैं गरीब घर में तो आपका इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो केवल और केवल इसके दोषी आप ही होंगे। धन्यवाद आप सभी शिक्षकों का। राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय अपने समुचित और उचित संसाधनों के द्वारा, विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा जो पठन पाठन का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित कर रही है सरकारी तंत्र के माध्यम से, हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और वैसे लोगों को लगता है अगर कुछ भी त्रुटि है उनसे भी निवेदन करेंगे श्रीमान, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर बवाल मचाने से ज़्यादा बेहतर होगा विद्यालय में आकर एक अनुरोध भरे शब्दों के साथ, शालीनता भरे शब्दों के साथ अपनी बात को रखें। मुझे लगता है प्रिंसिपल साहब जरूर आपकी बात सुनेंगे। धन्यवाद।